नमस्कार। अभी अभी बड़ी खबर सामने आ रही है, कोरोना वायरस। झूठा चीन ने छुपा रखा था आंकड़ा। चीन में मौत का आंकड़ा बहुत ही भयावह है। आइए जानते हैं। पूरी वीडियो देखने के बाद इस वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। आपको बता दें कि कोरोना वायरस ने लगभग पूरी दुनिया को पकड़ लिया है। चीन के इस वायरस की शुरुआत से अब कई देशों में दहशत फैल गई है। लेकिन इस बीच न्यूयॉर्क स्थित हांगकांग के ब्लॉगर जेनिफर जेंग ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। मोबाइल उपभोक्ताओं के डाटा के आधार पर उन्होंने जो तथ्य प्रस्तुत किए हैं वे भयावह है। चीन की मोबाइल कंपनी चाइना मोबाइल द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के आधार पर जेनिफर जेंग ने कहा कि जनवरी और फरवरी में कंपनी के 8.116 मिलियन या 81 मिलियन मोबाइल उपभोक्ता गायब हो गए। एक अन्य चीनी कंपनी चाइना यूनिकॉम के जनवरी के आंकड़ों के अनुसार जनवरी के महीने में 1 मिलियन मोबाइल उपभोक्ता गायब हो गए हैं। चाइना टेलीकॉम के आंकड़ों के अनुसार चीन के एक अन्य प्रमुख मोबाइल सेवा प्रदाता 5.6 मिलियन या 5.6 मिलियन उपभोक्ता फरवरी के महीने में गायब हैं। अगर इन तीन मोबाइल कंपनियों के आंकड़ों को मिला दिया जाए तो यह 1.46 करोड़ है, यानी चीन में लगभग 1.5 मिलियन मोबाइल उपभोक्ता गायब हैं। आखिर ये लोग कहाँ हैं? क्या वे कोरोना वायरस के शिकार हो गए हैं? चीन दावा कर रहा है कि कोरोना वायरस के केवल 3270 लोगों की मौत हुई, फिर ये बाकी लोग कहाँ गायब हैं? दोस्तों, आपको हम सोशल मीडिया के अनुसार यह खबर दे रहे हैं और आपका क्या अंदाजा है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।